गाइज आज हम फिर से खेलने वाले हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड और आज हम कैसे भी करके बुया निकाल लेंगे। अरे यहाँ तो कोई गन ही नहीं है, इसका मतलब एनिमी ने लूट कर ली है। तो चलो अब हम किसी और जगह पे लूट करते हैं। कहीं पकड़े से आदम, हमने वहाँ पे लूट कर ली से। चलो अब हमारा वन टेप खाने के लिए तैयार हो जा। अबे यार मुझे गन नहीं मिली, वरना इन सबको एक साथ लोबी में भेज देता। नूबड़े आदम, अगर तेरे पास गन होती तो भी तू हमें लोबी में ना भेज सकता। वैसे थारा कोई टीममेट क्यों नहीं दिख रहा से? टीममेट नहीं है कोई, क्योंकि मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा। बोट सच बोल देना कि तारे साथ कोई खेलना ना चाहता है। अरे नहीं, मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड ही खेलता हूँ, क्योंकि वो लोग मेरे किल चोरी कर लेते हैं। अरे इतनी लंबी लंबी मत फेंक कच्चाधारी आदम। अबे नुबड़े ध्यान से देख ले, ये कच्चा नहीं है। और ये कच्चा ही है, और छोड़ दे हमारे सेठ को। ठीक है ये ले, छोड़ दिया तेरे कचरा सेठ को। अरे वाह, मुझे तो गन की जरूरत भी नहीं पड़ी इन नुबड़ों को लोबी में भेजने के लिए। ओए सुन छोटू, हम लोग यहाँ पर कैंपिंग कर रहे हैं, किसी को बताना मत। हमें आज के दिन में कैसे भी करके ग्रैंड मास्टर पहुँचना है, इसीलिए। हाँ साहब जी, मैं किसी को नहीं बताएगा, जाओ बिंदास कैंपिंग करो, क्योंकि आप मेरे पुराने गिराग हो। सुनो भाई लोग, मैंने उस बंदर को बता दिया है हम यहाँ पर कैंपिंग कर रहे हैं। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आज तो हम आराम से ग्रैंड मास्टर पहुँच जाएंगे। हाँ अच्छी बात है, पर तू बिमल लाया कि नहीं? अरे मैं तो वो लाना भूल गया यार। अरे ये झूठ बोल रहा है, साले का उधार बढ़ गया है इसलिए उसने दिया ही नहीं होगा। हाँ यार, सारे पैसे तो मेरी बाबू खर्च कर देती है, कैसे चुकाऊँ उसका उधार। वो सब छोड़, गन टीवी सोफा का तो समझा, पर ये टॉयलेट क्यों रखा है इधर? अबे वो हिप हॉप के लिए है, अगर वो कहीं बाहर खुले में करने गया और एनिमी ने नॉक कर दिया तो फिर हमारा तो फालतू में रैंक माइनस हो जाएगा ना। हाँ तेरी बात तो सही है, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। और यार मैं तो सोचता ही नहीं हूँ। हाँ इसीलिए तो तू लोटा लेके कहीं भी चला जाता है, सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रखा कर। हाँ भाई लोग, सेफ्टी फर्स्ट, हिप हॉप तू यही रूम में कर लेना, कहीं बाहर मत जाना, क्योंकि ये रूम मैंने इतना सेफ बनाया है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अबे क्या बड़ी बड़ी फेंक रहा है, ये ले मैंने पर मार दिया, क्या कर लेगा मेरा। गाइस मैंने पूरा मैप घूम लिया, मुझे कहीं एक बंदा भी नहीं दिखा। चलो इस छोटू से पूछ लेता हूँ। अरे आदम चला जा यहाँ से, यहाँ कोई एनिमी नहीं है। ठीक है चला जाता हूँ, पर एक फेप्सी पिला दे, प्यास लग गई है। अरे सच बोल रहा हूँ, वो सामने वाले घर में तो बिल्कुल कोई एनिमी नहीं है। अच्छा अच्छा, वैसे छोटू आज तू बहुत हैंडसम लग रहा है, लगता है नहा के आया है। अरे नहीं, वो आदमी स्प्रे लगा के आया है, गुलाब जामुन फ्लेवर का। अरे हाँ वैसे अच्छी बू आ रही है तेरे से। हाँ अब टाइम पास मत कर, चल आ जा यहाँ से, क्योंकि सामने वाले घर के सेकंड फ्लोर पे हिप हॉप सकुरा रेड क्रिमिनल और कोई भी नहीं है। ठीक है यार, तो अब मैं फैक्ट्री पे चलता हूँ, यहाँ तो कोई नहीं है। देखा मैं कितना स्मार्ट है। अरे ये तो वही बंदे है जो हर बार ग्रैंड मास्टर रीजन टॉप करते है। अभी इन सबको एक साथ लॉबी में भेजता हूँ, मजा आएगा। बाबू मोसाय, आज हम करने वाले हैं नो इंटरनेट प्रैंक, उससे हमें पता चल जाएगा कि लोगों में कितनी ह्यूमैनिटी बची है, मतलब कि इंसानियत। चलो सामने से एक बंदा आ रहा है, हम अपना प्रैंक शुरू करते हैं, उसे ऐसा लगना चाहिए कि हमारा नेट चला गया है। अबे भाई ग्रैंड मास्टर वाली स्क्वाड को तो एडम ने उड़ा दिया, पर वो साला कहाँ छुप के बैठा है। अबे भाई ये शैतान का बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, लगता है इसका फोन इसकी मम्मी ने ले लिया है। साले पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, और ये नो इंटरनेट प्रैंक ना बंद करो। अरे बाबू मोसाई, तुमको कैसे मालूम हम प्रैंक कर रहा हो? अबे नुबड़े, किसी का अगर सच में नेट चला जाता तो वो बोट बन जाता। हाँ बाबू मोसाई, ये तो भारी मिस्टेक हो गया। छोटी बच्ची हो क्या जो नो इंटरनेट प्रैंक करती हो? बाबू मोसाई ये तो चालक सिमकांडी था, इसलिए इसको पता चल गया। और देखो सकुरी आ रही है, उसके अंदर बहुत इंसानियत है, और ये यहाँ जरूर रुकेगी और मेरी हेल्प करेगी। अरे अंधा है क्या, दिखता नहीं? मेरी स्कूटी को कुछ हो जाता तो? बाबू मोसाई वो तो सकुरी को मैं दिखा नहीं, वरना वो जरूर रुकती है। अरे यहाँ पे पैसा किसने खुला छोड़ दिया? अरे बोट ये बीच रास्ते पे के करे से कोई उड़ा देगा। अबे कुछ बोल, मुंह में जबान ना होवे, लगता से इसका नेट चलो गयो है, मुझे तो फ्री में किल मिल गयो। बाबू मोसाई प्रैंक के चक्कर में ये तो मुझे लॉबी में भेज देगा। ओए छोड़ दे उस नूब गिलिंडर चिमकांडी बोट गंदी नाली के कीड़े को। बाबू मोसाई ये अब तो मेरी मदद कर रहा है, और ऊपर से गंदी नाली का कीड़ा भी बोल रहा है। ओए मैं तेरी मदद नहीं कर रहा हूँ, वो तो मुझे फ्री के किल चाहिए थे, अब मैं तुझे इमोट शॉट मारूंगा। अबे छोड़ दे उस बेचारे को, साले कैसे कैसे लोग हैं, एक तो उसका नेट चला गया है और ऊपर से तुझे फ्री का किल चाहिए। ओए एडम माफ कर दे, किल के चक्कर में गलती से मिस्टेक हो गई। ओए गाइस लगता है इस बेचारे का नेट चला गया है, मेरा भी चला जाता था तब मेरी कोई मदद नहीं करता था, पर मैं इसकी मदद जरूर करूंगा। चलो मैं इसे अगले जोन तक का राशन दे देता हूँ, जब इसका नेट आएगा तो ये बहुत खुश हो जाएगा।
अरे ये किसने किया? अरे बाबू मोसा, ये सेट बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के हम कंट्रोल नहीं कर पाया, पीछे से छूट गया। अच्छा, इसका मतलब तेरा नेट नहीं गया है? नहीं, मैं प्रैंक कर रहा था, देख रहा था कितनी इंसानियत बची है। साला भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ओए सुन, अब मैं तेरे साथ एक प्रैंक करता हूँ, बस तू अपनी जगह से मत हिलना। ठीक है बाबू मोसा। अरे बोला था नहीं हिलना, पर तू तो हिल गया है। चलो वन टैप खा और लॉबी में जा। चलो जल्दी से मैं सेफ जोन में चला जाता हूँ। पर एक मिनट, ये सस्ता लेड क्रिमिनल यहाँ क्या कर रहा है? अरे मम्मी आई थी तो मैंने फोन छुपा दिया, उसके तकल में जोन बहुत आगे चला गया। चलो अभी मैं जोन में तो पहुँच गया, पर अभी लास्ट जोन बनला है, वहाँ जाना पड़ेगा। अरे तेरा नेट चला गया था क्या? एक काम कर, मेरे से टीम अप कर ले, मैं तुझे जोन तक छोड़ दूंगा। अरे थैंक यू यार, आजकल तेरे जैसे नेक दिल पहल बहुत कम मिलते हैं। हाँ यार, मेरी बाबू भी मुझे यही बोलती है जब उसे गोल गप्पे खाने हो। अरे मुझे लगता है तेरी बाबू ने तुझे स्पेशल गोल गप्पे खिलाने के लिए लिखा है। अभी समझ में आया तेरा नाम फौज क्यों है, क्योंकि तेरे साथ कोई भी फ्रॉड करके चला जाता है। हाँ यार सही कहा, पर तू ऐसा नहीं है, आज से तू मेरा बेस्ट फ्रेंड। हाँ तू भी मेरा बेस्ट फ्रेंड। बेस्टी वो देख सामने चुटकी खड़ी है। अरे सुनो, मुझे हेल्प चाहिए, क्या तुम मुझे जोन तक छोड़ सकते हो? हाँ चुटकी, चलो मैं तुम्हें जोन तक छोड़ देता हूँ। पर तुम्हारे साथ तो कालिया है। अरे इस कालिया को तो अभी लड्डू खा के वन टैप मार देता हूँ। चल तुटकी, अब हम जोन में चलते हैं। अरे जोन आ गया, पर ये बंदा अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? ओए यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे क्या बताऊ तुमको, मेरे साथ सब फ्रॉड करते रहते हैं, क्योंकि मेरा नाम फ्रॉड है ना। अरे तेरी आवाज तो बिल्कुल रेड क्रिमिनल जैसी है। अच्छा, रेड क्रिमिनल कोई बड़ा आदमी लगता है? अरे नहीं, वो तो मेरे सुअर का नाम है। और तू टेंशन मत ले, जिसने भी तेरे साथ फ्रॉड किया है उसको हम दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। अरे भागो, आदम पागल हो गया है, सबको लॉबी में भेज रहा है। अरे सासा वो रहा मिल गया, जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया था। आप कार में से उतर जाओ, मैं अकेला उसे मारूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाओ ले लो अपना बदला। नूबड़े, मेरे साथ फ्रॉड किया ना, अभी मैं तुझे लॉबी में भेज दूंगा। अरे तालिया ऐसा मत कर, तू भी लॉबी में जाएगा। हाँ मुझे पता है, मैं स्पेशल तुझे लोल दिखाने के लिए आ रहा हूँ लॉबी में। चलो फाइनली फ्रॉड ने अपना बदला ले लिया। अरे भाई लोग, ऊ रहा आदम, पकड़ो ससुरे को। ओए सुन बुड़बक, फ्रॉड के चक्करवा में तू हमसे क्यों पंगा ले रहा था? अरे भाई लोग, भारी मिस्टेक हो गया यार, जाने दो। हमका एटीट्यूड दिखाता है, चलो ठुमका लगाई दे वरना वन टैप खाएगा। जब तक तुम्हारा पैरवा चलेगा तब तक हम तुमको नहीं मारेंगे, और जैसे ही तुम्हारा पैरवा रुका हम वन टैप मार देंगे। अरे यार लगता है आज मैं बुया नहीं निकाल पाऊंगा, ये लोग मुझे लॉबी में बेच कर ही रहेंगे। अरे ये इतनी तेज कार लेके कौन गया? अरे यार मुझे सभी जगह फुटपाथ ही दिखता है, पर वो मैं नहीं था, मेरा ड्राइवर था। तो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखा ही है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, वो भी देख लेंगे।